तो साइन अप करने के बाद हम लोग जब इसके साइन अप करेंगे, उसके बाद ये सारे सिलेक्ट करने के बाद, यूजर नेम देने के बाद, तो हमारे पास एक ये पेज आएगा। ठीक है जी, इसमें क्या कह रहा है जी कि प्लेटफॉर्म फॉर फाइंडिंग जॉब्स। तो इसमें आपने इसको अपने स्किल्स बतानी है कि आप यहाँ से कौन सी स्किल्स जो है वो किस पर काम करने आया है। यहाँ पे आईटी वेबसाइट, आईटी सॉफ्टवेयर है, मोबाइल फोन कंप्यूटिंग है, राइटिंग एंड कंटेंट है, डिजाइन मीडिया एंड आर्किटेक्चर है, डाटा एंट्री एंड एडमिन, प्रोडक्ट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग है, सेल्स एंड मार्केटिंग है। तो ये तकरीबन इसी तरह आपने लिख लेना है, बहुत सी है। तो हम लोग जो डे हैं, ठीक है, आप इनको करते रहे, आप सर्च कर ले, आप कोई भी जो है, कोई सी भी 20 आपने करनी है, ईमेल हैंडलिंग कर लें, ट्रांसलेट कर लें, कॉल सेंटर कर लें, डाटा एक्सट्रैक्शन कर लें, ठीक है। तो तकरीबन इस तरह की आपने डाटा स्क्रैपिंग कर लें, ठीक है। आपने कोई सी भी जो है, आपने 20 तकरीबन इसको पूरी कर लेनी है। अच्छा जी, तो 20 जो है वो स्किल्स आपने सिलेक्ट कर लेनी है। इसमें 20 की जो है ना, हमें ऑप्शन दी होती है। जब आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो अब ये आपसे मांग रहा है कि आपने यहाँ पे अपनी जो है वो प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। यहाँ पे आप जो है अपनी एक पिक्चर लगा लीजिएगा, ठीक है। पिक्चर लगाने से आप लोग रेस ना करिएगा, ठीक है। पिक्चर्स लगाने से ये मतलब होता है कि आप जब कोई कस्टमर आता है आपके यहाँ पर, तो आपके प्रोफाइल पर, तो वो पिक्चर्स देखता है, तो उससे उसको ये इम्पैक्ट मिलता है कि हाँ भाई, ये बंदा एक तो 100% जेन्युइन है, दूसरा ये यहाँ पे टाइम पास के लिए नहीं आया हुआ, ये कोई प्रोफेशनल बंदा है जो बिल्कुल सीरियस है काम से रिलेटेड, ठीक है। तो ये इम्पैक्ट जाता है। यहाँ पे आप अपना लैंग्वेज आप जोन सी मर्जी सिलेक्ट कर लें, आप इंग्लिश कर लें, ठीक है। यही में प्रॉब्लम होती है, लेट आने का ना। बस आप लोग जब लेट आते हो तो फिर इसलिए इंग्लिश ही सिलेक्ट कर लेते हैं। चले, इसके साथ अगर आप कोई और भी लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहें, या जो भी आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है वो आप यहाँ से कर लें। एक बात याद रखिएगा, कभी भी आपने ये आपसे मांग रहे हैं कि हाउ वुड यू रेट योर एक्सपीरियंस विद योर स्किल्स यू हैव सेलेक्टेड, एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे अगर आप एज अ बिगनर भी हो या आपको कुछ थोड़ा बहुत आता है, तो आपने कभी भी यहाँ पे ये शो नहीं करना कि जी मैं बिल्कुल, मेरा स्टार्टिंग है या मेरा कुछ इंटरमीडिएट है। आपने यहाँ पर जब भी ऐसे प्लेटफॉर्म पर अपना एक्सपीरियंस शो करना है, आपने ऐसा परफेक्ट शो करना है, ठीक है। ऐसा एडवांस आपने देना है यहाँ पे, ना तो आपने इसको सिलेक्ट करना है और ना ही इसको सिलेक्ट करना है। इसलिए यहाँ पर ताकि जिसको आप अगर काम भी दो या जिसके साथ आपकी डील भी हो, तो आपका उसको भी पता हो कि मैं जिसके साथ बात कर रहा हूँ ये बंदा इस काम में परफेक्ट है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप कर लेना। अच्छा जी, तो ये आ गया जी, सिलेक्ट अ पेमेंट मेथड टू वेरीफाई। यहाँ पे पेपाल भी है जी, आई थिंक मुझे थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। अच्छा,
जी, तो पेमेंट मेथड जो है ये है जी, क्रेडिट और डेबिट भी है, पेपॉल भी है। सबसे जो अच्छा होता है इसको हम लोग अभी फिलहाल के लिए स्किप कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाए जी, ये हम लोगों को एक मंथ का ट्रायल दे रहा है, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहा है कि जी ऐसे ऐसे जो है ये सारा इसका हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या करना है कि ये भी बिल्कुल इनका होता है कि ये हमें इसमें 100 जॉब्स पर जो है ना वो अप्लाई करने देंगे। इसके बाद ये हमसे कुछ $10 के हिसाब से मंथली चार्ज करेंगे। तो ये इन्होंने सारी डिटेल्स दी हुई है, तो ये देख लीजिएगा। आपने क्या करना है कि यहाँ पे एक्सेस फ्री है, ईमेल आईडी फ्री में बनते हैं, तो आपने क्या करना है कि जहां पे इसने आपको 100 की इजाजत दी है, आपने इस पे 3 आईडी से लॉगिन करना है। तो जहां पे आपको एक जॉब पे 100 जॉब्स यहाँ पे एक आईडी पर अप्लाई करने के लिए इसने इजाजत दी है, तो आप जब 3 आईडी से यहाँ पे साइन अप करोगे तो ऑलरेडी आपकी 100 100 100 300 हो जाएगी। और अगर आप 4 आईडी से इसके ऊपर आओगे तो आपको 400 जॉब्स पे अप्लाई करने की परमिशन मिल जाएगी, ठीक है। तो पैसा कुछ नहीं देना गाइस, यहाँ पे हम लोगों ने पे कुछ नहीं करना। जैसा कि स्टार्टअप का आपसे वादा है कि हम लोग हमेशा आपको उस चीज की तरफ लेके जाएंगे जो कि बिल्कुल फ्री हो, जहाँ पे आपका 1 रुपया ना लगे। जैसा कि हमारे सीईओ साहब ने इस स्टार्टअप का मोटो रखा हुआ है और ये हमारा जाती मकसद है कि हम लोग जो है अपने स्टूडेंट्स को फ्री वाले की तरफ लेके जाए, ना के पेड की तरफ। इसीलिए हम लोग आपको ज्यादा से ज्यादा जो है जो भी होता है हम लोग फ्री की तरफ ही रेकमेंड करते हैं। तो यहाँ पे भी आपने क्या करना है कि अगर इन्होंने आपके साथ थोड़ी सी 1 महीने का दिया होगा तो आपने इनके साथ थोड़ा सा चलाकी करनी है। आपने क्या करना है जी कि इस पे अगर एक आईडी है तो जितने मर्जी ईमेल आईडी बनाओ, इसमें कौन से पैसे लगते हैं, तो आपने 2-3 आईडी से इस पे लॉगिन करके तो यहाँ पे अपने अकाउंट्स बना लेने हैं ताकि आपको 300-400 जो है वो जॉब पे अप्लाई करने की इजाजत मिल जाए। उसके बाद जब ये लिमिट खत्म हो जाएगी तो उसके बाद फिर देखेंगे। अच्छा जी, इसको स्किप फॉर नाउ कर देते हैं।
आप नेक्स्ट अप पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक ऐसा पेज खुलेगा, ठीक है, और ये तकरीबन वो सारी जॉब्स हैं जो हमारी हमने स्किल्स जो उनको दी थी उस स्किल्स के रिलेटेड, मींस ये जो हम लोगों ने इसको स्किल्स जो है सारी सिलेक्ट करके दी थी उससे रिलेटेड ये जॉब्स यहाँ पर आना शुरू हो गई, ठीक है। और जैसा कि यहाँ पे हम लोगों को ये वेरिफिकेशन के लिए एक ईमेल दी हुई है, ये लोग बोल रहे हैं कि आपको ईमेल दी है तो उसको वेरीफाई कर दें। नेट भी आज काफी स्लो हो रहा है, चलें कोई बात नहीं, तब तक हो जाता, हम लोग तब तक ये देख लेते हैं। अच्छा जी, तो ये देखें जी, इसको चाहिए जी, वी आर लुकिंग फॉर एन एक्सपर्ट इन कॉपी राइटिंग विद गुड टाइपिंग स्पीड। ये इसके लिए जो है जी तकरीबन ये पे करने हैं, इसकी हम लोग डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, अच्छा जी, ये इसने सारी डिटेल्स दी हुई हैं, ये इसको स्किल्स जो हैं वो रिक्वायर्ड चाहिए, ठीक है। और जी तो ये जो है ये कस्टमर से रिलेटेड है, अच्छा जी, तो ये सारी जॉब्स जो हैं ये देख लीजिएगा आप लोग, ये डाटा एंट्री की है, ठीक है, और लोग पर आवर के हिसाब से यहाँ पे आप लोग 15 से 20 जो हैं $20 पर आवर के हिसाब से आप लोग काम कर सकते हो, ठीक है। इसको जो स्किल्स रिक्वायर्ड है वो एक्सेल्स की चाहिए, ठीक है जी। और यहाँ पे जो डिटेल्स हैं ये सारी ये हमारे कस्टमर से रिलेटेड है जी, जो हमें काम दे रहा है जी, ये बहरीन से है जी, 0 प्रोजेक्ट कंप्लीटेड है इसके, ठीक है, आइडेंटिफाइड वेरीफाइड है, पेमेंट मेथड वेरीफाई है, ठीक है, डिपॉजिट मेड है, ईमेल एड्रेस वेरीफाई है, प्रोफाइल कंप्लीट है, और फोन नंबर भी इसका वेरीफाइड है, तो इस पे ठीक है, तो ये कोई फेक नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे जो है आप लोग अपना जो कैसे वो अपनी बिड कैसे सबमिट करवा सकते हो, मींस कि आप अपना काम कैसे करवा सकते हो, तो ये जो है एक समरी है यहाँ पे जो आप फिल करने के बाद इसको यहाँ पे अपना पर आवर रेट लिख दोगे कि आप कितना इस काम के लिए चार्ज करोगे, 10 चार्ज करोगे, 12 चार्ज करोगे, 15 चार्ज करोगे, ठीक है, इट्स डिपेंड ऑन यू, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखना है कि अगर आप कर रहे हैं डाटा एंट्री का काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि आई एम अ प्रोफेशनल डाटा एंट्री एक्सपर्ट, ठीक है। यहाँ पे आपने एक छोटी सी समरी लिख देनी है कि जी मेरा नाम आई एम अ वेरी हार्ड वर्किंग प्रोफेशनल डाटा एंट्री एक्सपर्ट, आई कैन कंप्लीट ऑल प्रोजेक्ट्स विद इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड एंड अप टू 100% सेटिस्फेक्शन ऑफ माई क्लाइंट्स, और इसके बाद आपने कुछ इसकी समरी इस तरह बना के तो आपने यहाँ पे कर देनी है, ठीक है, तो इसको सेव कर देना है तो आपका जो है वो पहुंच जाएगा। नोटिफिकेशन है जो रिसेंटली यहाँ पे जॉब्स जो है वो विदिन सेकेंड्स जो है वो पेस्ट हो रही हैं।
आपने इस तरह लिख लेना है आइकन कंप्लीट और प्रोजेक्ट आपने कुछ भी लिख के तो इसको बना देना है, ठीक है। आगे जो भी आप अपने बारे में लिखेंगे इसका एक अच्छी सी समरी बना के आपने यहाँ पे कर देना है। तो जो आपने यहाँ पे पर आवर अपना जो रेट लिखना है वो तकरीबन आप 15 लिख लें, इसको आप सेव कर लीजिएगा। अच्छा जी, ये कह रहा है कि जी 100 करेक्टर्स हो, ठीक है। अच्छा जी, प्रोफाइल पिक्चर का बोल रहा है तो प्रोफाइल पिक्चर सिर्फ एक, इसके अलावा डिस्क्राइब योर प्रपोजल, अपना प्रपोजल यहाँ पे कुछ भी लिखें और उसके बाद जो है आपने इसकी तरफ नहीं आना क्योंकि ये अपना एक पेड की तरफ है, तो यहाँ पे जो है ना वो आपने इसको नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन बना के लिखनी है कि आपको ये काम क्यों दिया जाए, ठीक है। आप में ऐसी क्या खासियत है कि आपको ये काम दिया जाए, ठीक है। और अगर यहाँ पे आपने ये जानना हो कि कस्टमर सही है या फेक है, तो नहीं फेक तो नहीं है, तो उसकी ये वेरिफिकेशन देखें, आइडेंटिफिकेशन जो है वेरीफाइड है, पेमेंट मेथड उसका होना वेरीफाइड होना चाहिए, डिपॉजिट मेड होना चाहिए, ईमेल एड्रेस होना चाहिए वेरीफाइड, प्रोफाइल उसकी कंप्लीट है, फोन नंबर भी वेरीफाई है, ठीक है।
तो ये हमारा जी प्रपोजल, इसको सबमिट हो गया, हम लोग ठीक है इसको वापस भी ले सकते हैं और इसको एडिट भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अगर आपने देखना है जी के प्रोजेक्ट्स में जाना है, कहाँ से नए काम देखने हैं, तो ब्राउजर में जाके आप प्रोजेक्ट्स में जाओगे तो आपको सारे काम मिल जाएंगे, ठीक है, कि कौन कौन से हैं। अच्छा जी, तो अब हम लोग इसको अच्छा जी, तो ये आ गया जी यहाँ पे अपना पेमेंट मेथड जो है वो, प्रोफाइल डिटेल्स जो ये है, एड्रेस आपने अपना दे देना है, ठीक है, सिटी हमारा ये तकरीबन सारा, जिप कोड जो है वो तकरीबन ये बता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू उसके ठीक है इंग्लिश, तो ये सारी आपने डिटेल्स जो है, जो आपने अपनी पेमेंट मेथड वाली जो है वो यहाँ पे आके करनी है, ठीक है, और ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आप इसको सेव कर दीजिएगा। उसके बाद आप ये एक ही दफा करनी होती है, बार बार नहीं करनी होती। उसके बाद जो है आप अपना क्या पेपाल का अकाउंट बना के इसके साथ अटैच कर दीजिएगा, ठीक है। ये सारी जो है ये आप देख लीजिएगा बारी बारी, ठीक है, ये पासवर्ड और ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है यहाँ पे पेमेंट मेथड है जो जी आपने सेलेक्ट करना है, बताना है, तो आप इसको पेपाल से जो है ना कनेक्ट करके, पेपाल का जो अकाउंट कैसे बनाना है ये सर तैयब का वो वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पर, ठीक है, उसका लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दीजिएगा, नहीं तो आप हमारे स्टेपअप के चैनल पे जाएंगे, आपको वहां पे मिल जाएगा। तो आपने क्या करना है जी, ये सारा लिख के, तो ये सारी डिटेल्स दे के, तो उसके बाद आपका जो काम आने वाला सिस्टम है वो भी सारा हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपने नई जॉब्स पे जाना है तो ब्राउजर सॉरी ये जहाँ पे ब्राउज लिखा हुआ है यहाँ पे जाएं, प्रोजेक्ट्स पे जाएं, ठीक है, तो इस पे जाने के बाद जो है तो ये अगेन सारी जॉब्स आ जाएंगी, आप देख लीजिएगा हर सेकंड के बाद यहाँ पे बेशुमार काम पड़ा है, बेशुमार जॉब्स पड़ी हैं, ठीक है। ये देखें हर 2 सेकंड के बाद यहाँ पे एक ना एक न्यू जॉब पोस्ट हो रही है जिसकी पूरी डिस्क्रिप्शन ये लिखी हुई है, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और तो अब आपको कैसे आपका अकाउंट बनाना है और सारी जॉब्स पोस्ट करनी है तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, बेशुमार आपकी वो है यहाँ पे स्किल्स हैं, बेशुमार जॉब्स पड़ी हैं उन स्किल्स से रिलेटेड। तो आज का हमारा सेशन जो है इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं, ठीक है, तो ये यहाँ तक ही था सारा।